எனக்கு என்ன அமேசான் சொன்னாங்க அது சி அன்பாக்சிங் பட்டு உங்களுக்கு பத்து பச்சை கிடைக்க அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டு जब यहाँ रहेगा तो नीचे से मोबाइल गर्म होता रहेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऑप्शन रखूँ, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है ये ऐसी है, इस तरफ ये नीचे आ जा रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है ये गैस स्टोव के पास बस। और फिर वीडियो होने के बाद इसको बस ऐसे कर सकते, ये यहाँ से इतना ही टर्न हो रहा है, ये ऐसे टर्न होगा और ऐसे ऊपर की तरफ टर्न होगा, बस ये इसका मूवमेंट यहाँ पर आके लिमिटेड हो गया है, क्योंकि इसको खुला स्पेस नहीं मिल रहा, पीछे दीवार है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको रखूँ या इसको वापस कर दूँ, क्योंकि मेरे तो कोई काम का नहीं निकला है, यूज़फुल है लेकिन मेरे किचन के हिसाब से बराबर नहीं है, और दूसरी कोई जगह समझ में नहीं आ रही है। ये हो रही है रिकॉर्डिंग करके मैंने देख लिया है यहाँ से, ये मैंने कढ़ाई रख दी है, एक पतीला रख के देखा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं बराबर, और थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे बराबर से तो हो जाएगा। देख तो रही हूँ, अभी तक डिसाइड नहीं किया है, ठीक ही लग रहा है, मैंने आगे के साइड में लगा दिया कैमरा और अभी ठीक लग रहा है, तो फाइनल डिसीजन तो मैं थोड़ा सोच के ही लूँगी। अभी अभी कैसा लग रहा है, आप लोगों को कैसा दिख रहा है ये तो मैं नहीं बता सकती ना, बनाने के बाद अभी प्रैक्टिकली जब इसमें खाना बनाएंगे तो क्या लुक आएगा, कैसे दिखेगा कैमरे में, बहुत नज़दीक करके भी देखा मैंने ऐसे, तो अभी इतना ही जा रहा है नज़दीक किया तो फिर ये बैकग्राउंड वगैरह सब दिखेगा, ये बस यही एक ऑप्शन है, चलो देखते हैं फिर। बहुत मेहनत करने के बाद समझ में नहीं आया, पहले मैंने उसको इस तरफ लगाने की कोशिश की, ये बहुत चौड़ा है, ये ज़्यादा मोटा है और इसका ग्रिप जो है वो थोड़ा छोटा है, तो अभी मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, ये यहाँ पर, ये जो स्टैंड दिख रहा है ये यहाँ पर शक्कर और चाय की पत्ती और नमक हींग होती है, तो यहाँ पर मैंने इसको प्लेस कर दिया, यहाँ पर भी मैंने लगा के देखा है, यहाँ पर भी लगा के देखा और ऊपर भी वहाँ पर मैंने लगा के देखा लेकिन नहीं हो रहा था, तो बस यहाँ प्लेस कर दिया है, अब ये सही एडजस्टमेंट आ गई है। और इसका मुँह इधर है तो ये वाला लगा दिया मैंने, और ये जो बड़ा वाला था इसको रिमूव कर दिया है, ये अभी मुझे समझ में नहीं आया बराबर से, तो इससे होगी वीडियो रिकॉर्डिंग की शूटिंग। अभी यहाँ पर लगेगा मोबाइल और ऐसे दिखेगा, यहाँ पर मैंने इसकी ग्रिप पकड़ा दी है, फोकस नहीं कर रहा, हो गया फोकस, ये मैंने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया,
गाजर और मटर बन रहे हैं, थोड़े से फूल डाल दिए, ये भी बन रही है। और दाल राइस मैंने बना दिए, बीट उबाल दिए हैं और बर्तन थोड़े यहाँ घस लिए, थोड़े वहाँ बाकी है, थोड़े इधर घस के रखे। मीठू की गुड मॉर्निंग हो गई है, मीठू पेरू खा रहा है। वो यहाँ पर आके सो गई है, मैंने बेड लगाया था सुबह में लेकिन वापस फिर से इस पर रिंकल्स पड़ गए, अभी उसको फिर लगाऊंगी। और यहाँ चल रहा है टीवी, बच्चों का फ़ोन आके चला गया है, बाहर का नज़ारा देखते हैं। ये रहे डॉगी और कबूतर तो आ ही गए, मैंने दाना डाल दिया था तो दाना इन लोगों ने खा लिया है। ये डॉगी है, ये अच्छा है बेचारा, इसको मैं बिस्किट डालती हूँ लेकिन एक मोटा डॉगी है वो उसको खाने नहीं देता। तो कबूतर बार बार आ रहे। और आज मैंने स्मार्ट वॉच सुबह से ही पहन ली है और थोड़ी ऊंची पहनी है, ये यहाँ पहनते तो मैंने थोड़ा और ऊपर पहन लिया क्योंकि मैं बर्तन भी घस रही थी और खाना भी बना रही थी, तो मुझे मेरे स्टेप्स देखने थे कि कितने स्टेप्स में चलती हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में लगाती हूँ तो फिर कम स्टेप्स होते हैं, 7,000 का गोल नहीं होता कंप्लीट। तो आज सुबह से ही मैंने पहन लिया, कल 3,000 के ऊपर हो गए थे लेकिन 7,000 तक मेरे स्टेप्स नहीं होते क्योंकि बहुत लेज़ी हूँ मैं ना, सुबह मैं इतना काम करती हूँ लेकिन वो वॉकिंग मेरी काउंट ही नहीं होती। और अभी तक कितने स्टेप्स हुए हैं, 200, ज़ूम नहीं कर रहा, 207 स्टेप्स हो गए अभी तक। बीच में मैंने निकाल दिया था क्योंकि उसको चार्जिंग ही नहीं थी। और यहाँ मैं देख रही हूँ एक पाकिस्तानी ब्लॉग सुबह में, मुझे पसंद है इन लोगों का ब्लॉग, मैं इन लोगों की पूरी फैमिली को देखती हूँ। आज ये लोग चैलेंज कर रहे, 24 आवर्स चैलेंज कर रहे, चैलेंज व्लॉग देख रही हूँ। खाना पूरा पक चुका है और रोटियाँ भी बन गई है, किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, बर्तन जितने थे यहाँ से सब निकाल दिए, ये कप खाली कर दिया है, ये थोड़े बर्तन अभी जो धो के रखे अभी, ये सॉरी ये अभी सारे बर्तन अभी सूखेंगे। ये सारे ग्लासेस धो दिए, थोड़ा अरेंज नहीं किए बराबर, ये भिंडी शाम के लिए धो दिए, भिंडी शाम के लिए वॉश कर दिए, ये थोड़ी देर में सूख जाएगा, पंखा चला लूँगी मैं। ये रहे फूल, आज किस्म सिर्फ कली कली है। ये झाड़ है तिल का, इसमें रोज़ सुबह में जो है वो सफ़ेद फूल खिलते, अभी तो तिल लग गई है, बहुत सारी तिल लग गई है, ये मोटी मोटी जो दिख रही है कली के जैसी, ये सब इसके अंदर तिल भरी हुई है, काली तिल आ रही है। और हरा धनिया कितना बड़ा हो गया देखते, हरा धनिया भी मेरा, हरा धनिया नहीं दिख रहा मेरा, हरा धनिया भी इतना बड़ा हो गया, यहाँ पर भी है और अंदर बेडरूम में भी लगाया मैंने हरा धनिया, मस्त सी दिख रही है। और ये एक तिलमौर का झाड़ है और
और ये एक छोटे से गुलाब का, चाइनीज़ गुलाब का झाड़ है यहाँ पर, ये मुझे लगाना है अभी, एक दिन इसको भी लगाएंगे। अभी चला ही नहीं है तो मशीन वापस से चलाते हैं इसको, सुपर क्लीन पे रखते हैं। करने डालते पानी का लेवल मीट कर देते, ये चलेगी। और अब इसको यहाँ से लाइट ऑफ कर देते। ये रही मेरी कुकू, ये अभी सो रही है और इसकी बेटी छुन्ना है, ये बाहर सो रही है। हाय कुकू, 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 कुकू सो रही हो, कितनी नींद आती है तुमको, कभी उठोगी खाना खाने? कॉटलेस। ये रही कुकू की बेटी छुन्नू, ये यहाँ सो रही है, उसकी मम्मी वहाँ सो रही है, कल इन लोग दोनों की लड़ाई हो गई। ये रहे यहाँ पर फ्रूट्स, इसका ये कपड़ा हट गया है, इसको ढक के रखते हैं। लगा दिए क्योंकि केले होते हैं ना, तो केले के ऊपर मक्खियाँ, वो बारीक बारीक कीड़े होते हैं, वो बैठने लगते हैं। ओ कुकू, छुन्ना, छुन्नु, चिड़िया। और कुकू उठ गई है, अभी उठ गई, तुम बेल बजी इसलिए उठ गई। हाँ बेल बजी इसलिए उठ गई, कुकी कुकी कुकी। हाँ कहाँ जा रही हो, कहाँ जाना चाहती हो, कहाँ कहाँ? बाहर लड़ाई नहीं करनी है जरा भी। कुकी अब ये किचन में जा रही है, बाहर जा रही है, डिसाइड ही नहीं कर पा रही कहाँ जाना है इसका। यहाँ आके छुन्नु का जो खाना और पानी रखा है उसमें से पानी पीना चाहती है। नहीं बाहर टेरेस। नीचे रखी धोने में डालने के लिए, तो ये नैपकिन पे बैठ गई। कुकी आओ बेटा ऊपर आ, कुकी मस्क मेलन लेकर आई हूँ, अभी ये काटेंगे खाने के लिए। मस्क मेलन कटे और सब लोग ने खा भी लिए, और ये बस मेरा हिस्सा बचा हुआ है और अभी मैं इसको खाऊंगी। आप सब भी खा लो, बहुत मीठा है। रात हो गई है और 11:15 हो गए, खाना पीना सब हो गया, सब लोग ने खा लिया है, कुकू ने भी खाना खा लिया है। और कुकू तो मेरे बाजू में आके लेट गई है, मैं भी खुद लेट गई हूँ, लेट कर मैं ये ड्रामा देख रही थी। ये रही कुकी, कुकी तो खा पी के सब कुछ हो गया कुकी का, और कुकी सो गई है, अब कुकू सो गई है। और फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं कल का दिन कैसा जाएगा, आज का दिन तो निकल गया और कल का दिन कैसे जाने वाला है ये तो पता नहीं। आज का दिन एक्सरसाइज करके पूरा बदन दर्द हो रहा है, आज कार्डियो था तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो गया मेरा, कल फुल बॉडी वर्कआउट था और आज कार्डियो किया तो ज़्यादा मतलब मेरे लिए हैवी हो गया वो, और अभी बॉडी भी पेन हो रही है, इसीलिए जल्दी खाना खा के थोड़ा रेस्ट करने के लिए सोच रही हूँ कि रेस्ट ज़्यादा कर लूँ ताकि थोड़ा ये जो मसल्स पेन हो रहे हैं ये बंद हो जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।